तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको एक रेस्टोरेंट लिस्टिंग ऐप बनाना है, जैसा कि एक जोमैटो जैसा ऐप बनाना है, तो कैसे बनाएं, कैसे अप्रोच करें उस चीज को। हम बहुत सारा कोड नहीं लिखेंगे, कोड नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये देखना चाहेंगे कि आखिर एक ऐप को बनाना, जोमैटो जैसे ऐप को बनाने के लिए क्या पीसेस लगते हैं, क्या अप्रोच लगता है। इसके पहले हमने ये किया था ई कॉमर्स के लिए और बहुत पसंद आया था आप लोगों को, आप लोगों ने कहा और बताइए भैया ऐसे, तो मैंने सोचा आज हम लोग जोमैटो करते हैं। तो देखो जोमैटो का जो ऐप है, अगर तुम, जैसे मैं इसको खोलता हूँ, जोमैटो का जो ऐप है, अगेन मैं ऐप मतलब वेब ऐप बोल रहा हूँ, तो जोमैटो का जो वेब ऐप है, अगर आप इसको खोलो zomato.com पे, तो आपको ये दिखेगा। अब देखने में ये बड़ा ओवरवेलमिंग सा लगता है शुरुआत में, बट इसमें सारे पीसेस आपको करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे पीसेस तो आप इसमें तोड़ सकते हो। और एक चीज जो बहुत खूबसूरत लगती है देखने में, उसके बारे में बार बार कहना चाहता हूं कि जब आप अपना कुछ भी बनाओ, आप जोमैटो का नाम जोनाटो रख दो, जोपाटो रख दो, टोमाटो रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन आप एक डिजाइनर बन के तो जा नहीं रहे हो, आप एक प्रोडक्ट मैनेजर बन के तो जा नहीं रहे हो, आप क्या बन के जा रहे हो, आप एक इंजीनियर बन के जा रहे हो। तो आपका काम डिजाइन करना नहीं है, सुंदर दिखाना नहीं है और नए नए फीचर सोचना नहीं है, आपका काम है सिर्फ ऐसे इंजीनियरिंग करना। ठीक है, इंजीनियरिंग करने के लिए जब हम इसको देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार ये ऊपर में एक मेन्यू बार है, इसको हम जंबोट्रॉन या हेडर कह सकते हैं, एक सर्च है और एक हेडर है और उसका टाइटल है। तो जब हम पहली बार इसको बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम ये बनाएं पूरा का पूरा, हम इसको हटा भी सकते हैं, हम सर्च को हटा सकते हैं, सिर्फ जो ये मेन हेडर है और जो ये सब टाइटल है ये रहने दे सकते हैं और बाकी चीजें बाद में ऐड कर सकते हैं। अब एक बार के नीचे देखते हैं, नीचे अगर हम आएंगे तो हम देखते हैं ऑर्डर ऑनलाइन, डाइनिंग, नाइट लाइफ एंड क्लब। ठीक है, चलो अगर मैं ऑर्डर ऑनलाइन पे क्लिक करता हूं तो क्या होता है, ऑर्डर ऑनलाइन पे आपको इस तरह से ब्रांड्स और बाकी सारे कैफेज लिस्टेड है जिससे, जहां से आप ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हो। और आप क्या देख रहे हो, आप इस देख रहे हो कि यहाँ पे फिल्टर्स भी लिस्टेड है। एक बार के लिए बैक जाते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अगर हम डाइनिंग पे क्लिक करते हैं, डाइनिंग पे हम क्लिक करते हैं तो ऊपर कलेक्शंस लिस्टेड है और उसके बाद रेस्टोरेंट्स लिस्टेड है, बेस्ट डाइनिंग रेस्टोरेंट्स नियर यू। ठीक है, और इसमें भी आप देखोगे तो बहुत सारे फिल्टर्स, रेटिंग्स, सर्च अल्कोहल, ओपन नाउ और बाकी फिल्टर्स भी लिस्टेड है। ठीक है, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं, एक बार और देखेंगे हम लोग इस ऐप को, नाइट लाइफ एंड क्लब्स में जाएंगे और आप देखोगे यहां पर भी कुछ कलेक्शंस हैं और फिर सेम, इसमें फिल्टर्स थोड़े डिफरेंट हैं बट मोर और लेस सिमिलर फिल्टर्स हैं। आप देख रहे हो कि एक रिपीटेड सा पैटर्न है। आप इसको कह सकते हो कि ये जो है, ये तीन, ये हमारे कैटेगरीज हैं, जैसे हमारे ई कॉमर्स में कैटेगरीज होते हैं कि आपने एक टीवी का कैटेगरी है, एक फोन का कैटेगरी है और एक कुछ भी और ले लो यार, चलो मान लेते हैं वॉचेस, डिजिटल वॉचेस। ठीक है, तो एक डिजिटल वॉचेस का कैटेगरी है, तो टीवी, फोन और डिजिटल वॉच का कैटेगरी है। और जब आप उस पर क्लिक करते हो, जब आप किसी भी चीज पे क्लिक करते हो तो उस कैटेगरी के अंदर की प्रोडक्ट लिस्टिंग आती है। तो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग है, यहां पर आप देखोगे, अगर अगेन जरूरी नहीं है कि आप ये बनाओ, जरूरी नहीं है कि आप ये बनाओ, आप यहां से डायरेक्ट शुरू कर सकते, कैटेगरी से प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर आ रहे हैं हम लोग। तो जब हम कैटेगरी से प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर आते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के कार्ड्स लगे हुए हैं और प्रोडक्ट का कुछ डिटेल दिया हुआ है, जैसे इसमें रेटिंग दिया हुआ है, प्राइसिंग दिया हुआ है, इसके कुजीन दिया हुआ है, एक फोटो लगा हुआ है, क्या ऑफ चल रहा है वो दिया हुआ है, कितने टाइम में डिलीवर हो रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, क्योंकि आप ऑनलाइन डिलीवरी में आए हैं, ये चीजें आपको देखनी पड़ रही हैं। आप देखोगे अगर ध्यान से इस चीज को वापस से देखते हैं, अगर हम एक बार डाइनिंग पेज पर फिर से जाते हैं तो आप देखोगे कि बड़ा रिपीटेड पैटर्न है। तो आपको गिनती के दो ही पेज बनाने हैं शुरुआत में। क्या पेज पहला बनाना है? पहला बनाना है ये फर्स्ट पेज जो लैंडिंग पेज है, जिसमें आपको कैटेगरी, आपने कैटेगरीज का नाम दे दिया। ठीक है, कि ये एक तीन कैटेगरीज हैं, डिलीवरी, डाइनिंग आउट, नाइट लाइफ। आप कुछ और एक कैटेगरी और ही बना सकते हो, वो सब आपके ऊपर है, बट मैं क्या कहूंगा, आप ना एकदम भी नए फीचर सोचने पे अपना दिमाग मत खर्च करो, आप ना एकदम भी डिजाइन सोचने पे अपना दिमाग मत खर्चा करो। तुम अभी कौन सा ऐप बना रहे हो वो मुझे कमेंट में बताते जाना और अगला कौन सा ऐप का मैं वीडियो करूं वो भी रिक्वेस्ट डाल देना। तो आपको बनाना क्या है, आपको क्या बनाना है, आपको ये वाला एक कार्ड का डिजाइन बनाना है। अगर आपने एक कार्ड का डिजाइन सही से बना लिया CSS में, ठीक है, इसमें आपको थोड़ी पोजिशनिंग करनी पड़ेगी और आपको बनाना भी नहीं है, आप तो मतलब अगर आप मेरी तरह बुरे इंसान हो, अब जाके सारा का सारा CSS देख सकते हो कि भैया आपने कार्ड में बनाया क्या है, क्या है आपका कार्ड, यही है आपका कार्ड, ये है आपका कार्ड पूरा का पूरा, नहीं यहां है कार्ड,
यहाँ है कार्ड, ठीक है, जहां भी है मेरा कार्ड मैं जाके कार्ड का कोड देखूंगा, मैं देखूंगा कि भाई CSS, ये वाला जो CSS है ये कैसे लगाया है तुमने, ये वाला CSS कैसा है, ये क्या है, सब सारा का सारा कोड तो आपको यहीं पर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपको ए CSS पे टाइम नहीं लगाना है, और बी CSS बहुत सारा अलग अलग नहीं करना है। दो ही तरह के तो कार्ड है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, मैं एक बार डुप्लीकेट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, अगर आप वापस जाते हैं हम लोग, तो दो तरह के कार्ड हैं, एक ये कार्ड है ना, चौड़ा वाला कार्ड जिसमें डिटेल्स कम है, और दूसरा ये कार्ड है जिसमें डिटेल्स ज्यादा है। तो ये दो पेजेस आपको बनाने हैं, कैटेगरी लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर जाएंगे, जैसे हम अगर क्लिक करते हैं तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये रेस्टोरेंट, अब हम आते हैं तो अब क्या है, देखो अब ये एक पेज है, इस पेज को कहते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज। यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल बताया जा रहा है, यहाँ प्रोडक्ट क्या है, यहाँ प्रोडक्ट है रेस्टोरेंट, क्योंकि या तो आप रेस्टोरेंट में जाकर खाते हो, या रेस्टोरेंट में जाकर नाचते हो, नाइट लाइफ जीते हो, या रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हो, तो इन तीनों केस में प्रोडक्ट तो एक ही है, रेस्टोरेंट है, जोमैटो का प्रोडक्ट। तो हमने पहले देखा कैटेगरी, हमने देखा कैटेगरी से हम प्रोडक्ट लिस्टिंग पे गए, प्रोडक्ट लिस्टिंग से हम प्रोडक्ट पे गए। तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आपके सारे डिटेल्स रहते हैं, अगर अगेन आप डायरेक्शन चाहो तो नहीं बनाओ, आप बुकमार्क फीचर अभी मत बनाओ, आप शेयर फीचर अभी मत बनाओ, आप बस डिटेल्स दे दो, बस डिटेल्स दे दो, उतना भी काफी है, डिटेल्स दे दो जैसे दिया हुआ है, इतना डिटेल्स आप दे दोगे बहुत प्यारा लगेगा आपका, थोड़े हाइलाइट्स लिख के ये सब बना लोगे, और ये सब कुछ CSS का काम है। यहाँ पे इस पेज पर तो आई थिंक बहुत ही कम जावास्क्रिप्ट इंटरेक्शन है, आई थिंक एक ही जावास्क्रिप्ट इंटरेक्शन आप कर सकते हो अगर आप बुकमार्क करोगे तो, ये जो बुकमार्क अभी लॉग्ड इन रहोगे तो बुकमार्क का इंटरेक्शन जो आप डाल सकते हो जिसमें आप थोड़ा अपना रिएक्ट दिखा सकते हो, अदरवाइज तो ये HTML CSS है ये पूरा का पूरा पेज, इस पेज में और कुछ खास है नहीं, ठीक है, ये पेज पूरा इन्फॉर्मेशन पेज है। लेट मी सी, अगर इसमें कोई इंटरेक्शन है तो फॉलो कर सकते हो, ये सब नहीं डालना, ये सब डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब तो मतलब एकदम ही लास्ट का फीचर है, बहुत टाइम बच गया जिंदगी में तो डालने जाना, बट अदरवाइज यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है काम का, तो इसमें तो आप बस लिस्टिंग कर लेना, और ये जो एक टैब्स हैं ये टैब्स बस बना लेना, ये टैब्स भी आप सारे नहीं बनाना चाहो तो भी चलेगा, बुक का टेबल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब करने की जरूरत है। तो अगर आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज कर लिया तो आप काफी कुछ दिखा सकते हो, और अब हम वापस जाते हैं यहां पर, जहां पर मैं हमेशा बोलता हूं कि जहां पर हमें जावास्क्रिप्ट करने का पूरा मौका मिलता है, जहां अपने रिएक्ट का जो बुखार है वो दिखा सकते हैं, क्योंकि आप तो रिएक्ट डेवलपर, आप तो वेब डेवलपर बन के जा रहे हो ना, तो CSS आपको कॉपी करने में शर्म नहीं होनी चाहिए, मजे से कॉपी करो, प्रोडक्ट के फीचर सोचने की जरूरत नहीं है, डेटा आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं, डेटा कहीं से भी उठा लो, किसी भी शहर का उठा लो, किसी भी एक लोकेशन का उठा लो, या दो लोकेशन का उठा लो, और आप दो लोकेशन डाल दो यहाँ पे, वो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको क्या करना है, देखो आप अगर मैं या कोई भी इंजीनियरिंग मैनेजर आपका प्रोजेक्ट देखता है तो वो ये देखता है कि यार देखो इसने बना तो लिया, रिएक्ट इससे आता तो है, पूरा का पूरा JSX में लिखा है, कोड साफ सुथरा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, क्या ये फिल्टर लगा पा रहा है, बस एक ही चीज है। और देखो ये फिल्टर, देखो इस पेज के लिए फिल्टर्स इतने जरूरी हैं कि जब तुम स्क्रॉल करते हो तो फिल्टर्स ही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं, ये भी तुम्हें बता रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट फीचर है बनाने के लिए। तो जब तुम फिल्टर्स में जाते हो और तुम बोलते हो कि अच्छा मुझे वही रेस्टोरेंट्स चाहिए जो रेटिंग 4 से ऊपर हो, तो ये इंपेरियो रेस्टोरेंट गायब हो जाना चाहिए तुरंत से, तो चलो मैं रेटिंग को 4 से ऊपर करता हूं, और देखो चला गया। ये चीजें तुम्हें करनी आनी चाहिए कि जब, और ये देखो कैसे ये रेड हो गया, कैसे फिल्टर पे 1 फिल्टर आ गया, ये इंटरेक्शंस देख रहे हो कैसे, तुमने जब प्योर वेज बनाया इसके साथ ये क्रॉस बटन आ गया, अब फिल्टर देखो 2 हो गया, अब अगर मैं फिल्टर्स पे क्लिक करता हूं तो ऑलरेडी तुमको यहां पर दिखना चाहिए रेटिंग में कि देखो रेटिंग में 4, 4.5 और 5 सेलेक्टेड है, ये सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी रखा हुआ है, सॉर्ट बाय मैं इसको डिलीवरी टाइम करके देखता हूं, अप्लाई करता हूं, देखो फिल्टर्स 3 हो गए, डिलीवरी टाइम जब वहां से निकल के यहां आ गया, क्यों निकल कर आया, क्योंकि आप इसको यहां क्रॉस कर सकते हो। तो ये चीजें जो है, ये इंटरैक्शंस ध्यान दो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही दिखाना है तुम्हें कि तुम जावास्क्रिप्ट के थ्रू, रिएक्ट के थ्रू ये इंटरैक्शंस करके पेज को रेंडर कर सकते हो, री रेंडर कर सकते हो विदाउट एनी इश्यू, और ये राउटिंग वगैरह तुम लगा सकते हो, और बेस्ड ऑन राउट तुम वो डेटा लाके पेज को पॉपुलेट कर सकते हो, बस इतना ही करना है। हम सोचते हैं कि अरे अब बहुत सारी चीजें करनी ही नहीं है, चुपचाप HTML CSS कॉपी कर लो, एकदम वर्ड टू वर्ड कॉपी मत करना, खुद से बनाना, और
उसके बाद ये फिल्टर्स लगा लो और डेटा ला दो। अब ये डेटा को तुम चाहो तो पहले फ्रंट एंड पे रखो, एक एक ऑब्जेक्ट में रखो, उसके बाद चाहो तो एक फेक एपीआई के थ्रू, मिराज जेएस के थ्रू उसको ले आओ। अगर तुम मिराज जेएस देखना चाहते हो तो वो भी एक बार देख लो। एपीआई मॉकिंग लाइब्रेरी है, इसके थ्रू आप आराम से फ्रंट एंड बना सकते हो एपीआई बिना बनाए। और अगर उसके बाद मन किया कि यार ये एपीआई कहीं होस्ट कर देते हैं तो कहीं होस्ट कर देना, रेपल पे कहीं पर भी, वो भी तुम्हारे ऊपर है, जरूरी नहीं है वो भी करना। बट अगर तुमने ये फिल्टर्स इज्जत से बना लिए, देखो ये फिल्टर्स में जो भी हम कह रहे हैं, ये सर्च बना दिया तुमने, अब मुझे सर्च करने का मन है, मुझे चाइनीज खाने का मन है, और मैंने ये सर्च तुमने बना दिया, ये अप्लाई कर किया मैंने, तो देखो ये चार फिल्टर हो गए, चाइनीज भी अलग से एज अ फिल्टर आ गया, ये वाला पीस ही मजेदार है पूरे के पूरे गेम में। उसके बाद अगर तुम्हें कुछ बनाना है तो अगर लॉग इन करने के बाद तुम ऑर्डर वाला फ्लो बना सकते हो, बुकमार्क वाला फ्लो बना सकते हो, ये लॉग इन का फीचर भी थोड़ा बना सकते हो, एक ईमेल के जगह बोल सकते हो लॉग इन एज अ टेस्ट यूजर, तो लॉग इन एज अ टेस्ट यूजर कर सकते हो। तुम्हें इसमें भी पूरा लॉग इन कंटिन्यू विद गूगल ये वो क्रिएट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बेसिक फीचर जो होते हैं ना पहले P0 फीचर्स लिस्टिंग वाले हो गए सारे तीनों पेज। उसके बाद अगर हम P1 फीचर्स में जाएंगे, प्रायोरिटी 1 फीचर्स में जाएंगे, तो हम यहाँ पे बस एक छोटा सा लॉगिन बना सकते हैं। तो अब चलो मान लो मैं लॉगिन कर गया, तो लॉगिन तुम किसी भी नाम से कर सकते हो। तुम चार यूजर टेस्ट यूजर बना के दे दो और उन चार यूजर से तुमने टेस्ट जब लॉगिन करा दिया तो अब तुम्हारे कुछ कुछ और चीज एक्टिवेट हो जाएंगे, तुम इसको बुकमार्क कर पाओगे, ऑर्डर भी कर पाओगे। तो अगर ऑर्डर फ्लो नहीं बनाने का मन है तो भी चलता है। मैं बोल रहा हूं कि डिमांड इतना ज्यादा है और सप्लाई इतनी कम है कि अगर तुम रिएक्ट में ये फीचर्स बना लो, बेसिक छोटे छोटे एप्स ऐसे बना लो और इनमें ये पीसेस बना लो, ऐसे ये बुकमार्क का पीस बना दो कि मैंने बुकमार्क कर दिया, ठीक है, अब मैं जाके इसके इस बुकमार्क को देख सकता हूँ, बुकमार्क हटा सकता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें बना लो, तो भी भाई मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर तुमने ये कार्ट बना दिया कि चलो मैं कार्ट में ऐड करता हूं इसको, ऑर्डरिंग वाला पीस है वो भी तुमने अगर बना लिया, सर्च विद इन मेन्यू ये बहुत प्यारा चीज है, पनीर ये देखो कैसे लाइव सर्च कर रहा है, देख रहे हो तुम, जब मैं सर्च विद इन मेन्यू कर रहा हूं तो यहाँ ये लेफ्ट स्क्रीन देखो, ये स्क्रीन देखो, और तुमने यह बना लिया मशरूम, देखो कितना फट से यहां पर। और तुम ध्यान देना कि ये नंबर्स चेंज हो जाते हैं, सूप 3 है ना अभी, मशरूम यानी 3 मशरूम सूप है हमारे पास। ये सर्च देखो, ये सर्च बना पाए तुम, ये सर्च में तुमने इतना डायनामिक इस सर्च को किया, ये पूरा का पूरा क्लाइंट पे हो रहा है मशरूम सूप। देखो जब मैंने मशरूम सूप टाइप किया तब तो दो ही बचे हैं मेरे पास, क्रीम ऑफ मशरूम सूप और मशरूम सूप। तो ये चीजें जब तुम बना पाते हो तुम्हारा रिएक्ट का बहुत सारा स्कोप दिख जाता है। इन चीजों को, बुकमार्क को, कार्ट एडिशन को, इन चीजों को प्रायोरिटाइज करो जिसमें तुम जावास्क्रिप्ट ज्यादा कर पाओ। सीएसएस दिखाने के चक्कर में ना पड़ो और प्रोडक्ट में फीचर्स सोचने के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़ो। तुम्हारा काम है इंजीनियर करना फीचर्स को, वो करो और इन फीचर्स को इंजीनियर करो। अगर तुम इतना कर लेते हो, एक ऐसा सर्च, एक ऐसा टेस्ट यूजर लॉगिन, एक ऐसा कार्ट फंक्शनैलिटी यानी ऑर्डर फंक्शनैलिटी, ये सारे पेजेस, बहुत बढ़िया है यार। 3-5 लाख रुपए की वेब डेवलपमेंट की जॉब अगर तुम ऐसे प्रोजेक्ट्स बना लेते हो तो पक्की है, बहुत आराम से है। मैं लगवा दूंगा यार, rocket.careers पे चले जाना, ये प्रोजेक्ट दे देना, ऐसी तुम बना ले रहे हो तुम्हारी जॉब लग जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर सही में जॉब लगानी है और उसके लिए प्रोजेक्ट बनाना है तो इस तरह से बनाओ। अननेसेसरी अपना टाइम बहुत सारा डिजाइन सोचने में, बहुत सारा CSS सोचने में, बहुत सारे फीचर सोचने में, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो बहुत यूनिक होगा, ये सब करने के चक्कर में मत पड़ो। चुपचाप बैठ के कोड करो, रिएक्ट दिखाओ, रिएक्ट का कोड दिखाओ और जॉब लेके जाओ। देखो अगर ऐसे जॉब ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस चाहिए, अच्छा करना है जिंदगी में, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। YouTube को बताओ कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा।